I am a Muslim in a field. That every Muslim should be a terrorist. Killing any innocent human being, it is the second major sin in Islam. Mazhar ko poojna galat hai, haram hai. नमस्कार, मैं हूं सूरज चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने जाकिर नाइक का नंगा नाच दिखाते हुए 10वां एपिसोड लेकर आए हैं। हमने जाकिर को मजबूर किया कि वो हिंदुस्तान के मीडिया के सामने आए और अपनी बात को कहें। हालांकि डरपोक जाकिर स्काइप से आया, खुद नहीं आया और ऐसे ऐसे जवाब दिए जिसका ऑपरेशन होना जरूरी है, क्योंकि जाकिर के समर्थक कह रहे हैं कि जाकिर नाइक ने सामने आकर बयान दे दिया है और सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं। अब आज भी जैसे समर्थक भी जाकिर के बयानों की वास्तवता नहीं जानते, वो लोग भी कहते हैं कि अगर जाकिर ने ऐसा कहा है तो हम उसका विरोध करने के लिए तैयार है, और इसलिए जाकिर के तमाम समर्थकों को आज हम उसके वास्तविक बयान और उसने जो झूठ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है उसका एक एक करके विश्लेषण दिखाएंगे। हम तो मानते थे कि जाकिर कहता था कि मैं अल्लाह छोड़ के किसी को नहीं डरता, मैं झूठ नहीं बोलता, लेकिन ये अब साबित हो गया कि ये अल्लाह से भी नहीं डरता, क्योंकि ये इतना झूठ बोलता है जो अल्लाह के नाम पर, कुरान के नाम पर, हदीस के नाम पर इसने बताया है, इससे भी पल्ला झाड़ता है। अरे कम से कम उस बात पे तो टिके रहते जिसके कारण तुम जाने जाते हो, लेकिन जब अपनी जान बचानी होती है तो ऐसे लोग शैतान का भी सहारा लेते हैं और झूठ और शैतान एक ही होता है। पहले मुद्दा देखते हैं। अरेस्ट जाकिर नाइक में हम आज आपको दिखा रहे हैं कि कैसे आतंक का नायक जाकिर झूठ बोल रहा है, कैसे जाकिर धर्म के आधार पर भेदभाव करने का आरोप लगा रहा है, क्यों जाकिर अपने दो चेहरों के बारे में नहीं बता रहा। जी हां, आज हम जाकिर के सारे दावों की पोल खोल रहे हैं। जाकिर कहता है, मैंने कभी आत्मघाती हमले के लिए किसी को नहीं उकसाया। That you have seen my videos that I have advocated killing people in way of suicide bombing again, this is a misinformation. But there are other scholars like Sheikh Salman Oda, he is mashallah one of the great scholars of this time. He says that if under normal circumstances it's haram, but if the situation demands, like in Palestine, every day they are being killed and thousands are being killed throughout the year. So it is rather that they have to fight in self-defense, and if they know that they use an attack in which the chances of dying are there, and if they really cause a damage to the opponent, as a last resort, with guidance from a scholar who has not, that one individual person gets up in the night and says, okay, fine, I'll go out. So with guidance of the Quran and Sunnah, as a last resort, it can be used. मैंने कभी भी आतंक का समर्थन नहीं किया। I am a messenger of peace, and I condemn all terrorist attacks. Any human being, whether Muslim or non-Muslim, kills any other human being, whether Muslim or non-Muslim, an innocent human being, I condemn that act anywhere in the world, whether in India or anywhere. He's on the truth. If he's fighting the enemies of Islam, I'm for him. मैं तो दुनिया को शांति का संदेश देता हूँ। I am a messenger of peace. ऐसे में आप कैसे मुझे आतंकियों का मसीहा बता सकते हैं? जाकिर कह रहा है, मीडिया में मेरे वीडियो को एडिट करके दिखाया गया है। पैनलिस्ट मुझे बिना सबूत के ही आतंकियों का समर्थक और दुनिया के लिए खतरा बता रहे हैं। लेकिन हम आज आपको दिखा रहे हैं कि कैसे जाकिर अपने जलसों में लोगों को आतंकी बनाने की बात करता है, कैसे लोगों को सुसाइड बॉम्बर बनाने की बात कहता है, क्यों जाकिर दूसरे धर्मों का मजाक बनाता है, कैसे जाकिर दूसरे धर्मों को तुच्छ बताता है, कैसे लोगों को धर्म ग्रंथों के गलत संदर्भ देकर परगलाता है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, आखिर जाकिर कैसे लोगों को कट्टरपंथी बना रहा है, कैसे युवा जाकिर के बहकावे में आकर आतंकी बन रहे हैं। यही नहीं, जाकिर के समर्थक अब भी जाकिर के कारनामों का बचाव करने में लगे हैं। तो क्या अब जाकिर के साथ जाकिर के तथा कथित समर्थकों पर भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या जाकिर के समर्थक जाकिर के आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं?
किसी भी चोर की एक कॉमन पहचान और आदत होती है, वो है उल्टा चोर, कोतवाल को डांट। जाकिर ने भी वही किया। जिस मीडिया ने इसको नंगा किया उसी मीडिया पर यह झूठ बोलने का आरोप मरता है। देखिए, अरेस्ट जाकिर नाइक। आई गेव द रिप्लाई टू द मेजर एलिगेशन, देयर आर अबाउट 30 एंड इंशाल्लाह ऑल ऑफ यू वुड बी गेटिंग द रिप्लाई ऑन अ पेन ड्राइव। इंशाल्लाह बाय द टाइम दिस कॉन्फ्रेंस एंड्स in the next couple of hours, we'll be getting a recording of these. And I feel that if you listen to these recording very carefully, I think the reply and the answers to all the allegations are there. What I was shocked that when I saw many of the panel discussion, my statements were taken out of context. There were half statements, only one sentence is taken, some of the clips for doctor, and they're asking the panelists, do you agree or do you agree? Without knowing the context, or if the panelist has not seen the complete context, few minutes before, few minutes after, how can he give the reply? And imagine, most of the panelists said that Dr. Zakir Naik in lecture said that every Muslim should be a terrorist. Imagine if I take that statement and show it on the television, saying that this journalist is saying every Muslim should be a terrorist. यूनुस जी के पास चलते। यूनुस जी लंदन से हमारे साथ आज लगातार तीसरे दिन जुड़े हैं। यूनुस जी, मैंने कहा इस वीडियो को दिखाने के पहले कि सारे चोरों की एक कॉमन आदत होती है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये चिंदी चोर निकला। यूनुस जी, शायद यूनुस जी से हमारा प्रॉपर संपर्क नहीं हो पाया। हम यूनुस जी के पास भी जाएंगे। कॉलर भी हमारे साथ बड़ी संख्या में जुड़े हैं, लेकिन हम आपको जाकिर का एक और वीडियो दिखाते हैं। I am a messenger of peace and I condemn all terrorist attacks. Any human being, whether Muslim or non-Muslim, kills any other human being, whether Muslim or non-Muslim, an innocent human being, I condemn that act anywhere in the world, whether in India or anywhere. He's on the truth. If he's fighting the enemies of Islam, I'm for him. I don't know what he's doing. I'm not in touch with him. I don't know him personally. I read newspapers. If he's terrorizing the terrorist, if he's terrorizing America, the terrorist, biggest terrorist, I'm with him. Every Muslim should be a terrorist. Every Muslim should be a terrorist. Every Muslim should be a terrorist. Yunus ji, chaliye caller ke paas chalte hain. Jahin, क्या कहना है आप? हाँ जैन सर बोलिए। राजस्थान से बोल रहा हूँ, गोपाल सर। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि इन लोगों का जो पाकिस्तान का बाप जो चीन है उसने इन लोगों की पूजा पे, इनकी दाढ़ी रखने पे, इनकी जो बंडा पजामा पहनते हैं इन पे, सब पे बैन लगा रखा है सर। उसके खिलाफ ये लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे। ठीक है सर, ये अपने हिंदुस्तान में इतने अच्छे से रह रहे हैं और यहीं पे खाके यहीं पे ये जूता मार रहे हैं सर, क्योंकि इनको यहाँ। यूनुस जी, अभी हमने वीडियो दिखाया और मैंने कहा कि चोर की एक कॉमन पहचान होती है कि वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये तो बड़ा धर्मात्मा बनने की कोशिश करता था, लेकिन ये तो चिंदी चोर निकला। जी क्या कहेंगे? बस इसकी वीडियोस के से साबित हो रहा है कि जो बातें इसने कही हैं वो दुनिया को पता चल गया है। अब और ये क्या करेगा? कन्नी कतराएगा, झूठ बोलेगा, कुरान उठाएगा, अल्लाह की कसमें खाएगा। मुसलमान आजकल के यही कर रहे हैं। जब वो देखते हैं कि उनकी चोरी पकड़ी गई है तो वो अल्लाह को बेच देते हैं, इस्लाम को भी बेच देते हैं। इनका कोई दीन मजहब धर्म नहीं है, ये झूठे लोग हैं। और ये ऐसा टोटल दिखावा कर रहा था कि मानो जैसे दुनिया भर का सबसे बड़ा स्कॉलर जाकिर नाइक इस्लाम को डिफाइन कर रहा है और अपने आप को कैसे वो निष्पाप है ऐसा बता रहा है। जी हाँ, क्योंकि इसको ड्यूटी दी गई है ना सऊदी अरबिया की तरफ से। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं कुछ बयान करना चाहता हूँ। बिल्कुल बोलिए। ये वहाबीज्म दुनिया के लिए खतरनाक क्यों है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। बिल्कुल। और इस्लाम की जो एक्सटोलॉजी है उसके हिसाब से समझना पड़ेगा। ये वहाबीज़म जो है
ये ज़माना आखिर में जिसको हम एंड टाइम्स बोलते हैं उनके बारे में उनकी किताबों में लिखा है कि एक बड़ा खलीफा आएगा और पूरी दुनिया के ऊपर उस खलीफा की हुकूमत होगी और कत्ल करके तलवार के ज़रिए जो उनको नहीं मानेगा उनको मारते जाएंगे और पूरी दुनिया पर उनका कब्ज़ा हो जाएगा। तो वो ये चीज़ जहन में रख के बहुत सी इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई हैं सऊदी अरब वालों ने, जैसे अफगानिस्तान में तालिबान है, पाकिस्तान में भी पंजाबी तालिबान है और अफ्रीका में बोको हराम है, केनिया में अल शबाब है और अलकायदा है और बहुत सारी इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बना रखी हैं। इसके अलावा जहाँ जहाँ ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन सकती हैं वहाँ जो है वो लॉन वुल्फ के तौर पर ये लोग काम लेते हैं। जिस तरह आपको मालूम है कि अभी कल या परसों यहाँ फ्रांस में नीस में एक मुसलमान जो है लॉरी ड्राइव करता हुआ गया और 86 लोग उसमें जो है मारे गए। ये छोटे छोटे जो इनके यानी वहाबिज्म को मानने वाले हैं कभी ना कभी किसी ना किसी से काम लेके ये इस तरह की चीजें करा देते हैं। मतलब इनका ये है कि पूरी दुनिया पर इनका कब्जा हो जाए, इस्लामिक स्टेट बन जाए, ये खलीफा बन जाए। मैं आपको बीच में एक जगह रोकता हूँ फिर आप कंटिन्यू करें। जो ट्रक वाली बात आपने कही, हिंदुस्तान में ऐसे तमाम एक्सीडेंट हुए हैं इसके पहले जो एक्सीडेंट नहीं थे, षड्यंत्र थे। कई शादियों की जो बारातें चलती थी उनमें ट्रक घुस गए, कई मैं मतलब सैकड़ों संख्या बता सकता हूँ। गुजरात में जो जैन मुनि सड़क पर चलते पैदल चलते हैं, गुजरात में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट जैन मुनि के हुए और देश भर में भी होते हैं, ये भी ट्रक वाले तय करके मारते हैं। जो फ्रांस में घटना घटने के बाद यह बात कम से कम सामने आई है कि यह भी आतंकवाद का स्वरूप है जो हिंदुस्तान में सालों से चल रहा है। आगे आप कंटिन्यू करिए। जी हाँ, ये मुख्तलिफ इनके तरीके हैं मारने के। एक तो जैकेट पहन के मारना है, एक्सप्लोसिव जैकेट्स में भर देते हैं। दूसरा हैंड ग्रेनेड वगैरह है, फिर असोल्ट राइफल है और फिर ये ट्रक चढ़ा के लोगों को मारना है। तो पूरी दुनिया में जो वहाबीज़म की ये जो आइडियोलॉजी फैल रही है, ये आइडियोलॉजी जो है एक्सप्लोसिव है। इस आइडियोलॉजी से लड़ना जरूरी है। तो एक जाकिर नायक को मारने से काम नहीं चलेगा, एक वहाबी को मारने से काम नहीं चलेगा। इनके पीछे जो आइडियोलॉजी है, जो नजरिया है इनका, उस नजरिए को डिफीट करना बड़ा जरूरी है। एक आम मुसलमान इसको कैसे समझेगा? एक आम मुसलमान इसको तब समझेगा जब उसको इस्लाम का सही रुख दिखाया जाएगा, जब उनको बताया जाएगा कि ये जो जाकिर नायक आपको कुरान और हदीस के नाम पे कह रहा है, कुरान में ये बातें नहीं लिखी हुई। उनको सही कुरान और सही हदीस बताई जाएगी। आपने देखा होगा ना, जाकिर नायक जो है जब भी कुरान की कोई बात करता है फौरन वो बोलता है कि आयत नंबर 20, सफा नंबर 20। मैंने कई दफा इसकी इस बात को कुरान में चेक किया, वहां पर तो वो थी नहीं, झूठ बोलता है ये। ये तो हमने इसके वीडियो के साथ दिखा दिया है। हमने तो इसके दो दो वीडियो दिखाया, अभी बार बार कितने बार बताऊं। हमने इसके वीडियो दिखाया जिसमें ये गीता को गलत कोट करता है, महाभारत को कोट करता है, चलो ये तो समझ में आ सकता है, लेकिन ये कुरान को भी गलत कोट करता है। बस इसके आंकड़े फेंकने वाली जो स्टाइल है, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो रेफरेंस देता है कि फलां पेज पे फलां आयत नंबर है, ये गलत होती है। हमने कई दफा चेक किया है। तो लोग, इतना बड़ा मजमा होता है, कौन चेक करता है वहां पर? इसलिए इसका जो है तुक्का चलता रहता है। बिल्कुल। आज हम इसके कुछ कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियो, क्योंकि कल मीडिया ने भी इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस को इतने विस्तार से नहीं बताया जितना विश्लेषणात्मक होना चाहिए था आप जैसे एक्सपर्ट को बिठा के, इसलिए आज हमने तय करके इसके भाषणों के और इसके कल के झूठ के दोनों वीडियो को सामने लाया है, बता रहे। हम अगला वीडियो आपको दिखाते हैं। That I have advocated killing people in way of suicide bombing. Again, this is a misinformation. And this answer is given on the pen drive. There was a question asked to me that is suicide bombing permitted in Islam? And the reply is, if suicide bombing is done as a terrorist attack where innocent people are killed, this is 100% condemned. It is not permitted in Islam. It is prohibited. It is haram. And it is the second major sin in Islam. And I've quoted that most of the scholars, Islamic scholars, like for example Sheikh bin Baz, for example Sheikh Uthaymeen, all of them condemn that suicide bombing, where innocent people are killed,
it's totally prohibited. But when the question is, is it permitted in some cases? There are certain scholars that give the name. For example, Sheikh Safar al-Hawali. If it is used... प्रकार से इस वक्त इस कल के सफाई में ये बता रहा है, कितने विस्तार से समझा रहा है कि नहीं मैंने तो ऐसा नहीं कहा, मेरा कहने का मतलब ये था, फलाना स्कॉलर ये कहता है। इसका पुराना वीडियो हम आपको दिखाते हैं जिसमें ये सीधे सीधे समर्थन करता है। देखिए, जापान यूज्ड इट एज अ टैक्टिक ऑफ वॉर, दे वर कामिकाज़े पायरेट्स। व्हाट यू हैव टू रियलाइज दैट दीस स्कॉलर्स से दैट इफ इट इज यूज्ड एज अ टैक्टिक ऑफ वॉर इन व्हिच द अमीर द हेड the leader of the army of the country gives permission that if this is beneficial for the army of that country to win over the enemy as a tactic of war, if someone does it in these cases, it may be permitted. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Is suicide under any circumstances justified in Islam? But that's the question, that is suicide under any circumstances justified in Islam? My counter question, what do you mean by suicide? Suicide means a person wants to end his life. And most of the cases, suicide per se, is a person who's fed up of life. He has got so many problems, you know, he doesn't have money or he's gone in loss of business, whatever, and then he ends his life. This is haram in Islam. Ending your life purposely because of troubles in this world is haram. But on the other hand, you say that I want to fight for the haq. By Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the enemies who fought against the Prophet, and you say I'm going. We know that we are a small number. We are 300. There are 1,000, three times more. The chance of us surviving is little. In normal terminology, it will cause suicide. So that I find, I want to fight for the haq. And while doing that, I'm ready to die. That's a different question. So you'll become a martyr. The question of suicide per se, you should define what does it mean. And I know that your reference may be in context to suicide bombing. Correct? Suicide bombing or, you know, going for a particular thing. You know, the question didn't say that, but I'm in the field. You know, so more of suicide bombing. Is the difference between suicide bombing and committing suicide. Suicide per se is haram. But if you ask me, suicide bombing, as I said, individual case, you have to analyze what the individual case say. If it's one individual who takes a decision and does it, it's totally haram in Islam. And under normal circumstances, Allah says in the Quran, Surah Maidah, chapter 5, verse number 32, that if you kill any human being, unless it be for murder or for creating mischief in the land, it is as though you have killed the whole of humanity. And if you save any one human being, it is as though you have saved the whole of nation. So killing any human being, unless it be for murder or for creating mischief, it is haram. But now under circumstances, if you analyze at the name of the Sahabas what they did, if you call it modern terminology, it's called a suicide. So what we have to realize that individual person taking a decision is totally haram. The scholars are divided. Some group of scholars say that under any circumstances, suicide bombing is haram. Like Sheikh Nasruddin Albani, Sheikh Utaimi, Sheikh Bin Baz, all these three great stalwarts who expired recently, all of them say that suicide bombing, suicide killing under any circumstances is haram. But there are other scholars, like Sheikh Salman Auda, he is, mashallah, one of the great scholars of this time. He says that if under normal circumstances, it's haram. But if the situation demands, like in Palestine, every day they are being killed and thousands are being killed throughout the year. So it is rather that they have to fight in self-defense. And if they know that they use an attack in which the chances of dying are there, and if they really cause a damage to the opponent, as a last resort, with guidance from a scholar who has not, that one individual person gets up in the night and says, okay, fine, I'll go out. So with guidance of the Quran and Sunnah, as a last resort, it can be used. And they give examples. They give examples from Hadith, giving their own logical argument. You analyze that there was once when the fort was being taken up by the enemies, and the Sahaba, they said, you throw me over and then I will go on to the spear. So chance of dying was there. Yet they went, he didn't die. And you ji ka baat chalti, Yunit ji, ya humne itna vistar se isliye dikhaya क्योंकि हम दिखाना चाहते थे कि पहले वो किस रोप के साथ लोगों के सामने अपने मुद्दे को रखता था और अब कैसे भीगी बिल्ली बनकर रख रहा है। यूनुज जी, हाँ, ये सुसाइड बॉम्बिंग के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कुछ भी जाकिर नायक ने सुसाइड बॉम्बिंग के बारे में कहा है, ये बिल्कुल सब गलत है। एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि आप जंग कर रहे थे अपने दुश्मनों के साथ, तो आपका एक बहुत ही करीबी साथी था, वो बहुत ज़्यादा वुंडेड हो गया और वो ज़मीन पर गिर गया, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोस्तों को कहा कि भाई इसका ख्याल रखो, और थोड़ी देर बाद मालूम यह हुआ कि वो जो उनका साथी था उसने खुद ही अपने आप को मार लिया, क्योंकि वो तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता था।
तो जब इन लोगों ने आके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि भाई उसने अपने आप को मार लिया है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत नाराज़ हो गए और आपने फरमाया कि ये तो खुदकुशी है और ये हराम है और वो जहन्नम में जाएगा। वो मामला भी जंग का ही था, वहाँ पर तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद लोगों के साथ थे और वो जो बंदा था उसने अपने आप को इसलिए मारा कि वो तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, उसके बावजूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अप्रूव नहीं किया। देयर इज नो जस्टिफिकेशन। लेकिन वो तो अपने आप को तकलीफ ना हो इसलिए मार रहा था अपने आप को, यहाँ तो दूसरों को तकलीफ देने के लिए मारा जा रहा है। हाँ, तो जब अपने आप को तकलीफ से बचाने के लिए इजाजत नहीं है तो दूसरों को मारने के लिए कैसे परमिशन होगी इसकी? लेकिन ये मोहम्मद साहब की बात मुसलमान सुनने के बजाय झाकिर की सुनते है ना। हाँ, ये मसला है। इस्लाम मुसलमान जो है आज के, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं सुनते हैं ना कुरान सुनते हैं, वो बस इसी तरह के लोगों को सुनते हैं। और हमने इसी चीज को आगे बढ़ाना है ताकि लोगों को पता चले कि ये जो बकवास कर रहे हैं ये इस्लाम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, ये फितना फैला रहे हैं, दुश्मनियां बढ़ा रहे हैं, ये नफरत बढ़ा रहे हैं। ये कुरान और हदीस में नहीं लिखा है। अंडर नो सर्कमस्टांसेस सुइसाइड बॉम्बिंग इज अलाउड, अंडर नो सर्कमस्टांसेस। चलिए, जाकिर का एक और झूठ, कई झूठ हमारे सामने हैं और उसके कई तमाम वो वीडियो जो जाकिर के फैन होंगे उनकी आंखें खोलने के लिए पर्याप्त है। और हम जाकिर को नहीं जानने वालों के लिए वीडियो नहीं चला रहे, बल्कि आज के बिंदास का विशेष उद्देश्य है कि जो जाकिर के फैन हैं उनकी आंखें खुल जाए। एक कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। दिगंबर प्रसाद ममलाई सर। बोलिए बोलिए। एक विचार गर्भाधान की प्रकृति से पर्यावरण से जुड़ने की बात करता है, कण कण में भगवान मानने की बात करता है, गुरु के माध्यम से ग्रह उपग्रह नदी नालों पहाड़ों को ऋषि मुनियों भगवान के कई रूपों से जानने की बात करता है, एक सोच इसे काफिर मानता है, काफिरों का गला रेत कर कब्रिस्तान से जन्नत में जाने की बात, गुरुओं को पाने की बात करता है, एक की यात्रा गर्भाधान से मानवता की ओर जाती है, एक की कब्रिस्तान से सीधे जन्नत में जाकर हूर पाने की ओर जाती है। जाकिर इसी सोच का परिणाम है। यही सोच पहले मार बांध कर मनमानी की बात करती थी, प्रजातंत्र के बाद संविधान को लेकर उसी से जुड़ने की बात करती है, आजादी के बाद इस सोच को पालने पोसने पताने की रही है, जाकिर बनाने की रही है, इसे अनंतता के बजाय अंत की ओर पहुँचाना आवश्यक है। नमस्कार, धन्यवाद। वाह, धन्यवाद। यह हमारे बहुत अच्छे कॉलर है, काफी दिन बाद दिन का कॉल आया था। हम चाहते हैं कि आप तैयारी के साथ कॉल करें। बिंदास बोल यूं ही केवल आपकी बातें रखने के लिए नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की या दुनिया भर के एक्सपर्ट लोगों की बातों के साथ ये शो आगे बढ़े, ये हम चाहते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते, ब्रेक के बाद फिर आएंगे। बिंदास। That every Muslim should be a terrorist. Killing any innocent human being, it is the second major sin in Islam. Mazhar ko poojna galat hai, haram hai. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल और बिंदास में हम आपके सामने लेकर आए जाकिर नाइक का पर्दाफाश करने वाला ये लगातार 10वां एपिसोड, हमारी ये तीसरी सीरीज है जाकिर नाइक के खिलाफ। और अब तक का हम देखे तो 40वां एपिसोड है 7 साल में। हमने 39 एपिसोड तक ही, बल्कि 38 एपिसोड तक ही ये स्थिति तैयार की कि दुनिया भर सुदर्शन से भागने वाला जाकिर आखिर सामने आया, हिंदुस्तान की जमीन पर आने की हिम्मत नहीं दिखा पाया। डरपोक जाकिर कई स्काइप से जुड़ गया, वो भी 2 घंटे देरी से, क्योंकि सुदर्शन की टीम वहां से चली जाए। हमारे साथ यूनिट जी जुड़े हैं, तमाम दर्शक देश दुनिया से हमारे साथ जुड़कर अपनी बात को कहना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर भी बड़े पैमाने पर जाकिर के हमारे कैंपेन को अभी भी आगे बढ़ाया जा रहा है। कई चैनलों ने इसके क्यू छोड़ दिया है पता नहीं, लेकिन हम इसको जारी रख रहे हैं। हम जाकिर का एक और आपको वीडियो दिखाते हैं, जाकिर का झूठ, उस पर चर्चा करेंगे। पिछले 25 सालों से जो है दावा कर रहे हैं आप इस्लाम के प्रीचर हैं, आप कई सारे दावे करते हैं लोगों को इस्लाम के नजदीक लाने के लिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप जानते हैं कि इंडिया में मुसलमानों की हालत के बारे में कि कितनी प्रतिशत आबादी अनपढ़ है, बच्चों का ड्रॉपआउट का परसेंटेज क्या है, और इसके अलावा यहाँ पर
भारतीय उद्योगों में बड़े ओहदे पे कितने मुसलमान हैं, क्या ये फिगर्स आपको पता है? दिस इज नॉट ऑन ऑन टॉपिक, दिस इज नॉट अ रेलेवेंट क्वेश्चन, नॉट अ रेलेवेंट क्वेश्चन। एक सेकंड, रेलेवेंट क्वेश्चन क्यों नहीं? आपको जवाब नहीं पता है, आप ये बोल लीजिए। एक डॉक्टर जाकिर, अगर आपको फिगर्स नहीं पता है तो आप बोल लीजिए आपको फिगर्स नहीं पता है। आप मुसलमानों की हालत नहीं जानते भारत में, क्या है? बताइए, चुप क्यों है डॉक्टर जाकिर? सिस्टर एट द बैक, यस सिस्टर। आप इस्लाम के बारे में जानते हैं, मुसलमानों की हालत नहीं जानते? गो अहेड, इफ ही इज नॉट आंसरिंग दैट क्वेश्चन। आपको जवाब देना होगा डॉक्टर नाइक। माय नेम डॉक्टर जाकिर नाइक, आप मुंबई के हैं। वेट वेट वेट, लेट द सिस्टर क्वेश्चन फर्स्ट। मेरे आंसर फर्स्ट प्लीज, लेट द सिस्टर क्वेश्चन। यस सिस्टर, इसका मतलब ये समझा था कि आपको इसका जवाब नहीं पता है? हम यही इसको रेलेवेंट, दिस क्वेश्चन इज नॉट रेलेवेंट। ये बात मानिए, आपका रेस नहीं है, ये आपका प्लेटफॉर्म नहीं है। चेयरमैन अगर बोल रहा है रेलेवेंट नहीं है, आपको चेयरमैन के ऊपर तमीज नहीं है तो आपको इस शो में नहीं होना चाहिए। चेयरमैन ने बोल चुका है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आपने बुलाया, आप जो भी पूछेंगे इसका मतलब सर ये है कि आपको फिगर्स नहीं बताए। मुझे आपको बताए क्या फिगर्स? किसको बताए कितने परसेंटेज है? मुझे मुझे फिगर्स मुझे भी नहीं पता है, और क्या जरूरी है इंसान को बताना चाहिए एग्जैक्ट फिगर कितने? 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, या 6 करोड़, या 7 करोड़? एनी द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आस्क द क्वेश्चन दिस टाइम। इनुज जी, सुदर्शन के रिपोर्टरों के सवाल पर ये जाकिर का बयान आप देख रहे, ये तमाम चीजें याद रख सकता है, सारे फिगर इसको पता है, लेकिन गरीब मुसलमानों का आंकड़ा कितना है, गरीब मुसलमानों के बच्चे स्कूलों से ड्रॉप आउट होते हैं, बीच में स्कूल छोड़ते, इसका आंकड़ा इसको याद नहीं है। ये मुस्लिम प्रवचनकार है इनुज जी? जी, इनकी कहानी जिंदगी झूठ पर मबनी है, बस इन्होंने झूठ ही बोलना है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे भी सारी जिंदगी ये पता नहीं चला, लेकिन अभी 1 महीने पहले मुझे ये पता चला वहाबियों के बारे में। इनके इनके मुल्ला ने, मौलवी ने इनको कहा कि तुम अपने धर्म के लिए झूठ बोल जाओ कुरान पे हाथ रख के, अल्लाह का नाम लेके, तो खैर है। उसके बाद मेरा तो दिमाग घूम गया कि ये कौन सा इस्लाम। अल तकिया भी बोलते हैं ना शायद, मेरा शब्द सही है? हाँ, हाँ, मतलब जहां जरूरत पड़े वहां पर झूठ बोलो, हाँ, और वो जायज है तुम्हारे लिए। और इनका ये मानना है कि अल्लाह भी झूठ बोलता है, यानी भगवान को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। और ऐसे ऐसे व्यक्ति को प्रवचनकार कह के इसके फैन लोग बनते हैं, क्या उनको जन्नत मिलेगी? नहीं नहीं, जन्नत आसान नहीं है। जन्नत तो उसको मिलेगी जिसको भगवान चाहेगा। इस तरह के लुटेरे और कातिलों को जन्नत थोड़ी मिलती है, जो लोगों में नफरत फैलाते हैं, जो हिंद को तकसीम कर रहे हैं मुसलमान और हिंदू और सिखों में। हम सब भाई भाई हैं आपस में, सबका रब वही ऊपर वाला नीली छतरी वाला है। सिर्फ ये एक आइडेंटिटी है कि ये हिंदू है, ये सिख है, ये मुसलमान है, ये ईसाई है। बात तो एक ही है, सबका रब वही है ऊपर वाला नीली छतरी वाला। आप उसको भगवान बोले, राम बोले, अल्लाह बोले, रहमान बोले, कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे। वो तो कहता है कि अल्लाह छोड़ के कोई भगवान नहीं और मोहम्मद साहब छोड़ के कोई संत नहीं। ये बात भी झूठ है। आपने वो वीडियो भी खुद देखी होगी जिसमें ये कहता है कि मेरे नजदीक तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना भी हराम है। अब आप देखें, ये अपने ही शब्दों से दिखाई दी, हमने दिखाई दी ये वीडियो। हाँ, तो एक वीडियो में कहता है कि भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह के अलावा कोई नहीं है, और दूसरी स्पीच में बोलता है कि हमारे नजदीक तो मोहम्मद को भी मानना हराम है। हराम है, हाँ, इसकी किस बात पर यकीन करेंगे आप? झूठा आदमी है। चलिए, कुछ कॉलर हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए जी। मुझे ये कहना है, मुझे दो बातें करिए। साध्वी प्राची ने जब जाकिर नाइक के बारे में खिलाफ कहा, तो जाकिर के दोस्तों ने कहा कि साध्वी प्राची की जहर वाली जुबान, और जब आतंकी जाकिर देश की जुबान 23 साल से उनको नहीं दिखी, और जब साध्वी प्राची को जाकिर के समर्थकों ने धमकी दी तब सुप्रीम कोर्ट गए। उधर इसी तरह सुदर्शन न्यूज को जब 2013 में केंद्र सरकार ने जाकिर के खिलाफ सीरीज चलाने पर नोटिस दिया, आज एक बड़े नेता ने सुदर्शन न्यूज को बदनाम करने की कोशिश की। इसका कारण यह है कि 1,000 करोड़ रुपए जो अरब देशों से आए वो मीडिया में बटे जाकिर को बचाने के, और सुदर्शन की देशभक्ति की जाकिर के खिलाफ सीरीज के कारण ये सब नहीं हो पा रहा है, इसके कारण यह है।
और उधर इसका कारण न्यूज ब्रॉडकास्टिंग इस पर चुका है, यानी एनके सिंह और ये जो नवजोत सिंह है ये सब सारा वीडियो जाकर के टुकड़ों में बलता है, इसका यही कारण है और कोई कारण नहीं, सिर्फ अरब देशों का पैसा पैसा पैसा। धन्यवाद। मीडिया से जुड़ी हर संस्था पर जो सवाल उठ रहे उस सवालों के जवाब मीडिया के भाइयों को देने पड़ेंगे, क्योंकि अचानक बोलना, अचानक बंद होना, ये लोगों को लगता है कि कहीं से बटन दब गया है क्या, बोल रहे हैं और अचानक बटन दब गया कि बंद हो गए। आखिर जो भाषण यूट्यूब पर सालों से पड़े हैं, जिसको हम 7 साल से उठा रहे, हिंदुस्तान का मीडिया बांग्लादेश धमाके तक चुप क्यों रहा, जवाब देना होगा। हम आपको अगला वीडियो दिखाते। Your question that you saw, my answer to Sir Bombay, and never did I ever condemn that people going in the bomb and killing innocent people is wrong. I challenge you, sister. It is your remark. I challenge you to show me any answer which is unedited. We have the recording. You show me any unedited answer. You might have seen an edited answer, sister. I challenge you to show me any answer on suicide bombing in which I have not condemned that taking a bomb or going in a marketplace or going in a train or going in a bus. The words may differ here and there. Every answer that I give on any answer that I give on suicide bombing, I have made it very explicit that what is done nowadays, where people get up in the morning and they take a bomb and they go to marketplace, it's totally prohibited in Islam. Just because you say you have seen, you may have seen a doctor clip. देखा, हालांकि आज के इंग्लिश वीडियो को हम आपके सामने हिंदी टेक्स्ट के साथ नहीं दे पाए, लेकिन हम इसको यूट्यूब वर्जन में इंग्लिश के साथ हिंदी में डालेंगे। हम आपको दिखाते हैं अब अगला वीडियो जो इस वीडियो से क्या कॉन्ट्रिक्ट करता है। देखिए, किलिंग एनी इनोसेंट ह्यूमन बीइंग, इट इज द सेकंड मेजर सिन इन इस्लाम, इट इज प्रोहिबिटेड। कुरान सेज इन सूरह माईदा चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 32 दैट इफ एनीवन किल्स एनी अदर ह्यूमन बीइंग, whether it be Muslim or non-Muslim, unless it be for murder or for spreading corruption in the land, it is as though he has killed the whole of humanity. And if anyone saves any other human being, it is as though he has saved the whole nation. This verse is the verse of the Quran of Surah Maida, chapter 5, verse 32. I am a student of comparative religion. I have read scriptures of various world religions. There is no scripture in the world besides the Quran which makes this claim that if you kill one innocent human being, you have killed the whole of humanity. And if you save one human being, you have saved the whole nation. And I agree that maybe you have seen a doctor clip. You go to our YouTube channel. I have spoken thousands of times. Maybe there may be 10 sentences where you can take out double meaning. But there are thousands of sentences in my talks which condemn unequivocally, unambiguously, that killing innocent people is prohibited. I'm repeating it how many times? So how can you say that someone can be misunderstood? What should the media do is, and what should the agencies do, that who are these people who are using Dr. Naik's popularity for their ulterior motive? They should catch them. Instead of doing that, you are blaming me. Dr. And you are saying Dr. that I take it as a badge of honor. It's not a badge of honor, sister. And I give this answer. So you as a Muslim saying that Osama bin Laden is right or wrong, have you checked up? Bombing in Nigeria, American consulate, Osama bin Laden, headlines. Did or not, we don't know. But if you ask my view, if he's on the truth, if he's fighting the enemies of Islam, I'm for him. I don't know what he's doing. I'm not in touch with him. I don't know him personally. I read newspapers. If he's terrorizing the terrorist, if he's terrorizing America, the terrorist, biggest terrorist, I am with him. Every Muslim should be a terrorist. The thing is that if he's terrorizing a terrorist, he's following Islam. Whether he is or not, I don't know. But you as a Muslim, without checking up, laying allegations also wrong. So I am with those people who are following the Quran. Even if the full world is against them, I am with them. यूनुस जी, ये वो बाइट है जो पिछले 10-12 साल से जाकिर नाइक लगातार आप देख रहे हैं कैसा दिख रहा है और अब कैसा दिख रहा है। तो ये इतने सालों से एक ही बयान पर ये टिका हुआ है और कल भी इसने लादेन को लेकर अपने बयान को नहीं बदला, हालांकि दिखावा की कोशिश की, लेकिन क्या लादेन से इतनी लॉयलिटी, क्या कारण है? हाँ, वो सऊदी अरब का है ना लादेन, और ये वहाबी आइडियोलॉजी वही है सऊदी अरब की, और ये कहता है कि मुझे नहीं पता वो क्या कर रहा है, मैं तो न्यूज़पेपर में पढ़ता हूँ। न्यूज़पेपर में क्या पढ़ते हैं आप? अपने घर की कहानी पढ़ते हैं?
भाई न्यूज़पेपर में आपको पता नहीं चला कि वो टेररिज्म कर रहा है, ये उसके खिलाफ बयान दे ही नहीं सकता है क्योंकि ये खुद उसामा बिन लादेन का छोटा भाई है, बल्कि हो सकता है अब तो बड़ा भाई बन गया हो। अब तो बड़ा बन गया क्योंकि ये ओसामा जैसे लोगों को, ओसामा तो चला गया लेकिन ओसामा जैसे जो जीवित है ऐसे लोगों को जो सैन्य चाहिए, जो सेना चाहिए, जो योद्धा चाहिए, जो लड़ने के लिए रंगरूट चाहिए, ऐसे लोगों को रिक्रूट करने का काम करने के लिए माहौल बनाता है। गरीब बच्चों से लेके उच्च शिक्षित बच्चों को ये ऐसे इंस्पायर करवाता है। खुद कहता है कि लोग मेरे भाषणों से प्रभावित होते हो और कल अगर आतंकवादी बनते हो तो मैं क्या करूं। देखिए, Let every Muslim should be a terrorist. My popularity. There are about 200 million people watching on Peace TV. On my Facebook alone, there are 4 million fans. I have inspired millions of people to come close to Islam, to come close to peace. But all the millions of people who are my fans may not follow 100% what I say. Some may follow 100%, some may follow 80%, some may follow 50%. Now, when a person gets inspired and comes close to Islam, there are some speakers who are misguiding the innocent Muslims. And they tell them that when you kill the other non-Muslim or innocent human being, you will go to paradise. These people are misguiding the innocent Muslims. The word that Dr. Zakir Naik is saying that you should kill innocent people. Now those people who are my fans, those who don't know me very well, and they know I'm popular, they will really start thinking I am saying kill innocent people. What the media is doing, the media, because of my popularity, they are again creating more innocent Muslims to take the wrong action. What right does the media have to misquote me? What I say, that today, Prophet Muhammad, peace be upon him, is one of the most influential human beings in the world, even according to Michael H. Hart. And all these terrorists, they may be influenced by Prophet Muhammad, peace be upon him. But nowhere has ever Prophet Muhammad, peace be upon him. Yunus ji, aapne aapko popular keh raha hai, famous keh raha hai. इसको पता नहीं बद और बदनाम का क्या फर्क होता है, इसको पता नहीं कि नाम और बदनामी का क्या फर्क होता है। ये तो बदनाम हुआ है हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा और उसके लिए मुंह छिपा के घूम रहा है दुनिया भर में और उसको पॉपुलैरिटी कहता है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। बोलिए। जब ये लोग कुरान का हवाला देते हैं कि कुरान में लिखा है कि एक आदमी को मारना पूरे इंसानियत को मारना है, तो उसमें फिर अपनी तरफ से ये एक लफ्ज लगा देते हैं इनोसेंट, कि इनोसेंट लोगों को मारना है। अब ये करते ये हैं कि लोगों को ये इनोसेंट नहीं समझते हैं और उनको मार देते हैं, ये काफिर है इसको मार दो। तो यहां से ये अपने कुरान को इस्तेमाल करते हैं कि भाई हमने इनोसेंट लोगों को नहीं मारा है, ये सूफियों को मारा है, हिंदुओं को मारा है, सिखों को मारा है, ईसाइयों को मारा है, क्योंकि ये सब काफिर हैं। अभी फ्रांस में जो सड़क पर अपना त्योहार मना रहे थे, सेलिब्रेशन कर रहे थे, ये दुश्मन कैसे हो गए इस्लाम के? हाँ, कैसे दुश्मन हुए इस्लाम के? ये मैंने आपको बताया ना, इनका काम सिर्फ दहशत फैलाना है और पूरी दुनिया में कब्जा करना चाहते हैं ये, ताकि इनका खलीफा आ जाए और ये लाल किले के ऊपर अपने ला इलाहा इल्लल्लाह का जो है झंडा लगा दें, सारे लोगों को मार दें, सूफी भी ना बचे, सिख भी ना बचे, हिंदू भी ना बचे। लेकिन इनकी ये बात कभी पूरी नहीं होगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, कभी पूरी होने भी नहीं देंगे। ये तो कुछ नहीं, तलवारें लेकर तोहफे लेकर आए, उनकी भी पूरी नहीं होने दी। ये तो बातूनी और ये तो झूठा है और अब तो पता चला ये कायर भी है, इसकी बात क्या सच होने देंगे? लाल किले पर तिरंगा ये सपना भी नहीं देखेगा, ऐसी स्थिति निर्माण की है हिंदुस्तान में, ये सपना भी नहीं देख सकता। अगला वीडियो दिखाते। I am a propagator of peace. कुरान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि मजार बनाओ। यहाँ तक के अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई भी कब्र पक्की नहीं होना चाहिए, अगर पक्की है तो उसको जमीन से नष्ट करना चाहिए। सही बुखारी की हदीस है कि अगर कोई कब्र पक्की है तो उसे जमीन के लेवल पे लेके आना चाहिए। मजार को पूजना गलत है, हराम है। मैं जानता हूं कि कई मुसलमान अनजाने में इल्म की कमजोरी के वजह से वो मजार पे जाते हैं। हमें अपने मजहब की तबलीग की
और अपनी इबादतगाहों की तामीर की इजाजत होती है? अगर होती है तो यूनुस जी, हमने दो वीडियो दिखाए, एक में वो कह रहा है कल जिसने कहा कि मैं शांति दूत हूं, ये शांति दूत है, और हमने दूसरा वीडियो दिखाया कि शांति दूत कह रहा है जीवित आदमी को तो छोड़िए, ये मरे हुए कब्रों को भी नहीं छोड़ रहा है। कैसा शांति दूत है इस्लाम का? हाँ, आपको पता होना चाहिए कि मदीने में जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फैमिली थी, उनकी जहां पर कब्रें थी, इन्होंने उन सब के ऊपर बुलडोजर फिरवा दिया, सब के ऊपर बुलडोजर फिरवा दिया, और अब ये चाह रहे हैं कि मदीने में जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजार है उसको भी ये डिमोलिश कर दें। इन लोगों को बुग्ज है मोहम्मद रसूलुल्लाह से। क्यों? इसलिए कि उन्होंने मना किया था कि ये जो सारे काम तुम कत्लो गारत के करते हो, ये तमाम काम इस्लाम में नहीं है। जिस तरह मैं आपको एक बात बताता हूं, ये बोलता है कि एवरी मुस्लिम शुड बी अ टेररिस्ट, एवरी मुस्लिम शुड बी अ टेररिस्ट, ये नारा लगाया ना इसने। मैं आपको हदीस बताता हूं जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तू कभी भी मुसलमान नहीं हो सकता जब तक के कोई इंसान दुनिया में तेरी जबान तेरे हाथ से महफूज सिक्योर ना हो जाए। अगर तेरे बराबर में तेरा जो नेबर है वो खाना खाए बगैर सो गया तो तेरे मुसलमान होने की गारंटी मेरे पास नहीं है। अगर तू किसी को नुकसान पहुंचाता है, किसी को मारता है, गाली देता है, तो मेरे पास तेरे मुसलमान होने की गारंटी नहीं है। ये खबीस का बच्चा कौन सा इस्लाम फैला रहा है? ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को गलत साबित कर रहा है, उस इस्लाम को नहीं मानता जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए हैं। क्या आप ये मानते हैं कि यूनुस जी, क्या आप मानते हैं कि इस्लाम हाईजैक हो चुका है? इस्लाम तो खत्म हो गया है। इस्लाम कहां बाकी है? मुझे तो नजर नहीं आ रहा, पूरी दुनिया में कहीं भी नजर नहीं आता। इस्लाम खत्म हो गया है, इस्लाम मर गया है, कहीं जिंदा नहीं है इस्लाम। अब तो इस्लाम के नाम पर ये गांडू रह गए हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी लगा करके झूठ बोलने वाले, चार चार साल की बच्चियों के साथ जिना करने वाले, रेप करने वाले, ये हरामी रह गए हैं। कहां इस्लाम बाकी है? कहीं इस्लाम बाकी नहीं है। अगर आपको अभी भी इस्लाम देखना है तो अजमेर चले जाएं, निजामुद्दीन औलिया की बस्ती चले जाएं, बू अली कलंदर के मजार पे चले जाएं, शायद वहां थोड़ा बहुत इस्लाम आपको नजर आए, उसके अलावा कहीं इस्लाम नहीं है। इस्लाम खत्म हो गया है, खत्म हो गया है। तभी तो आज लोग इस्लाम के बानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी गालियां देते हैं, उनके कब्र को भी तोड़ने की बात करते हैं। आप मुझे बताइए, इस्लाम अगर जिंदा होता तो मोहम्मद रसूलुल्लाह जिन्होंने इस्लाम बनाया था, क्या कोई उनको मानना भी कुफर करार देता? उनको मानने को भी हराम बोलता क्या? ये बोलता है कि इनके नजदीक तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानना भी हराम है। नहीं तो लेकिन आगे क्या होगा? मतलब आप लोग, आप जिसको असली इस्लाम कहते हैं और ये लोग जो नकली इस्लाम है, आप लोग कैसे इसको सेटल करेंगे, एक दूसरे को खत्म करेंगे? लगता तो यही है कि वो आपको खत्म करेंगे। नहीं नहीं, असल इस्लाम जिसकी बात हम कर रहे हैं ना, वो तो है ही नहीं, खत्म हो गया है। हाँ, अब ये नकली इस्लाम ही बाकी बचा है, लेकिन आगे जो आगे प्लानिंग भगवान की नजर आती है वो ये है कि अब कोई दीन धर्म नहीं होगा, सिर्फ अल्लाह का प्रेम रह जाएगा। काल के अवतार आएंगे, प्रेम अवतार, इमाम मेहदी आएंगे जो सबको प्यार और मोहब्बत देंगे। कोई दीन बाकी नहीं बचेगा, सिर्फ प्यार और मोहब्बत, भगवान की प्रेम रह जाएगी और कुछ नहीं बचेगा। ये तो कहता है कि मोहम्मद साहब ही कल्कि थे। इनका दिमाग खराब है, इनके पास कोई बात तो है नहीं, इसलिए बोलते रहते हैं। चलिए हम आपको इसका एक अगला वीडियो दिखाते हैं जिसमें ये कहता है कि पीस टीवी पर बैन इसलिए लगा क्योंकि पीस टीवी मुस्लिम चैनल है। देखिए, That's shown from the, which is shown on the social media, which is doctor. Some of them are doctor. Many of them are out of context. They cannot be held responsible. All the clip that he showed, it is shown somewhere else. What I would like the media to put a pressure on the IMD and to find out why have they not given us permission. The only reason I can think is because it's a Muslim channel. Yeah, हमारे देश की व्यवस्था कैसी है? ये इसने कभी भारत सरकार के पास इसका लाइसेंस था ही नहीं, लेकिन ये कह रहा है कि बैन कर दिया। जिसको लाइसेंस ही नहीं था वो बैन है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो बैन ही है क्योंकि उसको लाइसेंस ही नहीं था, जिसका अस्तित्व ही नहीं है। ये कहता है कि भारत में मुस्लिम चैनल नहीं चलाया दिया जाता। भारत में आज भी 25 से ज़्यादा मुस्लिम चैनल
चल रहे हैं। यहां तक कि जिस अल जजीरा का नाम लादेन के साथ जोड़ा जाता है वो भी चल रहा है। मैं यूनुस जी को पूछना चाहता हूं, यूनुस जी, ये अल जजीरा और सऊदी अरेबिया क्या कनेक्शन है? ये अल जजीरा का कनेक्शन कतर से है, सऊदीया से नहीं है। हाँ, और ये कतर भी लोग, ये जो टेररिस्ट लोग हैं इनकी बहुत हेल्प करता है। जिस तरह सऊदी अरब टेररिस्ट को हार्बर करता है, उनकी हेल्प करता है, फाइनेंशियल हेल्प करता है, इसी तरह कतर भी बहुत पैसा देता है इन लोगों को। चलिए, धन्यवाद, आपने टाइम निकाला आज के कार्यक्रम में, आपने दिल खोल के बात की और व्यक्त किया कि इस्लाम तो बचा ही नहीं, एक मुसलमान जब ऐसा कहता है तो दूसरे मुसलमानों को जरूर सोचने की आवश्यकता है। हमारे पास और भी कई वीडियो है, हम कल आपके सामने फिर आएंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद। मजार को पूजना गलत है, हराम है।